हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सिल्वेस्टर स्टेलोन की फिल्म ग्रीड 2 के बारे में। क्या ये फिल्म देखने लायक है या नहीं, तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, फाइनली क्रीड फिल्म का सीक्वल रिलीज हो गया है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फिल्म क्रीड का सीक्वल है, यानी सेकंड पार्ट, और रॉकी फिल्म की सीरीज का आठवां पार्ट। लेकिन अगर आपको ये फिल्म देखना है और आपने रॉकी फिल्म की सीरीज के एक भी पार्ट नहीं देखे हैं, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपको क्रीड 2 देखने के लिए रॉकी फिल्म के फोर्थ पार्ट को देखना पड़ेगा, जो आया था 1984 में। और उसके बाद आप सीधे क्रीड फिल्म देख लीजिए और उसके बाद क्रीड 2, जिसके बाद आपको फिल्म की स्टोरी काफी आसानी से समझ आ जाएगी कि असल में फिल्म में चल क्या रहा है। तो अब पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं फिल्म की थोड़ी सी स्टोरी की डिटेल के बारे में कि असल में क्रीड 2 फिल्म का प्लॉट क्या है। वेल, ये कहानी है एडोनिस क्रीड की, जिनका रोल इस फिल्म में माइकल बी जॉर्डन प्ले कर रहे हैं, और उनके गुरु यानी ट्रेनर है रॉकी बेल्बोआ, जो डेफिनेटली सिल्वेस्टर स्टेलोन है। वेल, तो फर्स्ट पार्ट में एडोनिस ने अपना खिताब हासिल कर लिया है कि वो क्रीड फैमिली से बिलोंग करता है और बॉक्सिंग उनके खून में है। लेकिन अब इस फिल्म के सीक्वल में एडोनिस इस खेल को ज्यादा पर्सनल बना लेता है। तब जब उसे पता चलता है कि उसका सामना असल में विक्टर ड्रैगो से होने वाला है, जो एओन ड्रैगन का बेटा है। और एओन ड्रैगन कौन है, अगर आपको वो बात नहीं पता है, तो एक स्पॉइलर के साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि एओन वही है जिसने एडोनिस के फादर अपोलो क्रीड को मार दिया था, यानी फिल्म के फोर्थ पार्ट में, जिसके बाद रॉकी ने अपने करियर को दांव पर लगाया था अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। और फिर रॉकी का करियर आगे कैसा बढ़ा था, वो जानने के लिए आप रॉकी फिल्म की सीरीज देख लीजिए, आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। खैर, तो अब आते हैं क्रीड 2 पर। तो यही फिल्म की स्टोरी है कि अब इस बैटल को कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ एडोनिस है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है, और दूसरी तरफ है विक्टर, जो अपने फादर की खोई हुई इज्जत को फिर से वापस लाना चाहता है। तो ये है फिल्म का पूरा प्लॉट। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखने बैठोगे तो कहानी आपको कुछ और ही दिखाती है। जी हाँ, हमें ट्रेलर में और मेरे बोलने के अंदाज से आपको ये पता चल रहा होगा कि एओन और विक्टर फिल्म के विलेन है, लेकिन फिल्म को काफी अलग ढंग से प्रेजेंट किया गया है। और फिल्म को प्रेजेंट करने का पूरा के पूरा क्रेडिट इस फिल्म के डायरेक्टर स्टीवन चैपली जूनियर और फिल्म के राइटर्स, जिनमें सिल्वेस्टर स्टेलोन का भी आता है, जिन्होंने काफी खूबसूरती से इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। क्योंकि सिर्फ जीतना ही लक्ष्य नहीं होता है, जीतने के बाद जो पोजीशन रखनी पड़ती है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वरना लोग आपको आज याद रखते हैं और कल भूल जाते हैं। और वही चीज एओन के साथ भी हुई थी रॉकी 4 फिल्म में, लेकिन वो फिल्म इतनी ज्यादा खास नहीं थी, बस एक अच्छी खासी फिल्म थी जिसे आप देखकर काफी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो रॉकी फिल्म की सीरीज की, क्योंकि उसमें विलेन को विलेन ही दिखाया गया था। लेकिन क्रीड 2 में हमें यहाँ पर विलेन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक बेटे ने अपने बाप की उस जिंदगी को देखा जिसमें उसने अपनी पूरी के पूरी लाइफ खत्म कर दी, और अब बेटा ये चाहता है कि वो अपने बाप की उस पोजीशन को फिर से वापस ले आए। तो मुझे लगता है मैं जो चीज आपको समझा रहा हूँ वो चीज आपको फिल्म देखने के बाद काफी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी असल में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन सच में ये फिल्म एक लाजवाब फिल्म है, और मुझे नहीं लगता है कि आपको इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस करना चाहिए, क्योंकि ये सिल्वेस्टर स्टेलोन के फैंस के लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है, और उन लोगों के लिए भी जो लोग रॉकी की सीरीज को कंटिन्यू करते आए हैं। लेकिन एक बात है, इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट यानी क्रीड से इस फिल्म को और भी ज्यादा हटकर बनाया गया है। एक हिसाब से फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में सेकंड पार्ट काफी ज्यादा अच्छा है, और डायरेक्शन ऑब्वियसली वो भी लाजवाब है। और कोई फिल्म देखते वक्त ये नहीं कह सकता कि स्टीवन को फिल्म बनाने का कोई भी आइडिया नहीं है, बस उन्होंने कैमरा उठाया और फिल्म बनाना शुरू कर दी। हमें उनकी मेहनत साफ साफ नजर आती है पूरी फिल्म में। और बात करें फिल्म के सभी एक्टर्स की एक्टिंग के बारे में, तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्म में है माइकल बी जॉर्डन की, और उसके बाद नाम आता है सिल्वेस्टर स्टेलोन का। इन दो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी दमदार है। उसके बाद बाकी की जितनी भी कास्टिंग को फिल्म में दिखाया गया है, सभी ने अपने रोल को काफी अच्छा किया है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर काफी अच्छा कहा, ठीक ठाक नहीं, क्योंकि डायरेक्टर ने ये प्रूफ कर दिया है कि अच्छी फिल्म के साथ साथ फिल्म के क्रू मेंबर से एक्टिंग कैसी करवाई जाती है। क्योंकि ये फिल्म हमें सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग मैच ही नहीं दिखाती, इस फिल्म में आपको फैमिली एंगल भी दिखाया जाता है, उसके बाद एक ट्रेनर की चिंता, और भी ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें फिल्म में बिल्कुल परफेक्ट वे से प्रेजेंट किया गया है। और अब आ जाए मेरी रेटिंग पर, तो मैं इस फिल्म को दूंगा ए, और आपसे यही कहूंगा कि आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ये फिल्म हिंदी में
रिलीज हुई है या नहीं? वेल तो जवाब है जी नहीं। क्रीड 2 फिल्म को हमारे इंडिया में हिंदी में नहीं रिलीज किया गया है, यानी आपको इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है क्रीड 2 मूवी को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।